हिंदुस्तान रोएगा, खून के आंसू रोएगा। There will be a civil war, मैं रहूं या ना रहूं। एक ही आदमी है जो इस मुद्दे को जड़ से उखाड़ सकता है, करण सिंह डोगरा। सर, आदमी दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, पर इसके लंदन में होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अगर तुम्हारा अंदाजा गलत निकला, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। इस बार मातम इंडिया नहीं, कोई और मनाएगा। तुम्हारी टीम में इंडिया से होंगी भावना रेड्डी और ब्रिटिश इंटेलिजेंस से मलिका सूद। मतलब इंडिया ने भेज दिया एक और हीरो टाइप एजेंट। हमारे यहाँ का हर सिपाही हीरो लगता है। काफी जज्बाती हो। सिर्फ भारतवादी। क्या डायलॉग मारे, सीटी निकल गया। ये दो आंखें और आवाज के अलावा इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इससे पहले कि वो हमें ढूंढ लें, उन ऑफिसर्स को ढूंढो और खत्म कर दो। तेरे ही देश के बदनसीब मुसलमान तेरे ही देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इस मुल्क का मुसलमान अपने हक के लिए लड़ता है और उसे लड़ना भी चाहिए, पर वो कभी इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, ये मेरा यकीन है। तीन घंटों में मैं यहां से निकलूंगा सही सलामत। And you got to shit about it. औरंगजेब कश्मीर, विक्रम पत्रा कारगिल, नेक्स्ट करण सिंह डोगरा लंदन। पहले पर्दों में छुपा करता था, अब मर्दों में। बहुत जल्द कब्र में छुपेगा तू। बचा सकता है तू खुद को, तो बचा ले।